हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा जोशी फ्रॉम रोड टू वेब डॉट इन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओगे। सिंगल पेज वेबसाइट है, सो पहले मैं इसका डेमो दिखा देती हूँ। जो आपको जस्ट विजिट साइट पे जाना है, आपको नहीं जाना है, मैं बता देती हूँ। सो ये जो है वेबसाइट, वन पेज वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो, अबाउट अस डाल सकते हो, यहाँ पे अबाउट मी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। थर्ड सेक्शन जो मैंने बनाया है, वहाँ पे आप एजुकेशन दिखा सकते हो। ये देखिए, इस तरह आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस एक साइड अपना दिखा सकते हो। यहाँ पे एजुकेशन है, उसका भी लिया एजुकेशन, कौन से यूनिवर्सिटी से, उसके थोड़ा बायो ऐड कर सकते हो। सेम फॉर एक्सपीरियंस, आपने कौन सी कंपनी में एज ए फ्रंट एंड डेवलपर काम किया है या क्या काम किया है, ईयर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे एजुकेशन और एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। थर्ड जो मैंने सेक्शन रखा है वो है स्किल्स का सेक्शन। यहाँ पे अपनी स्किल्स जो है, टेक्निकल स्किल्स है, आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो। फिफ्थ सेक्शन जो सर्विस सेक्शन, सर्विस मतलब आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे वेब डिज़ाइनिंग सर्विस, वर्डप्रेस की सर्विस मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उस तरह आप यहाँ पे सर्विस और उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन शो कर सकते हो। इस तरह मैंने इसे होवर इफेक्ट दिया है। अगेन पोर्टफोलियो में मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाई है, जहाँ पे आप वीडियो ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, आपके जो भी वर्क रिलेटेड है उसकी रिलेटेड उसकी इमेजेस, वहाँ पे आप अपना इमेज के बारे में थोड़ा डिटेल लिख सकते हो यहाँ पे कि ये इमेजेस क्या रिलेटेड है। यहाँ पे वीडियो भी आप ऐड कर सकते हो, आपके काम का वीडियो ऐड कर सकते हो। अगेन जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे देखिए होवर में मैंने फिल्टर गैलरी यहाँ पे मैंने डाली है। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर कर रही हूँ तो मुझे ग्राफिक के रिलेटेड वर्क दिख रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के वर्क दिख रहे हैं। ऑल मतलब जो है सारे वर्क मुझे एक साथ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप वो भी ऐड कैसे करते हो वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। अगेन यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन है, तो ब्लॉग जो है मैंने यहाँ पे एक ही ब्लॉग बनाया है डेमो के लिए। तो ब्लॉग का मैं अलग से अगर आपको चाहिए तो वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अगर आपके ब्लॉग्स है तो यहाँ पे आप ब्लॉग्स भी ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो ये आप स्किप कर सकते हो। लास्ट है हमारा कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे ऐड करते हैं और कैसे आप इसमें कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो और कैसे इसे डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हो कि किसने हमें कॉन्टैक्ट किया है, वो भी इसमें मैंने ऐड किया है। और लास्ट हमारा फूटर एकदम सिंपल है, जहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया लिंक डाल सकते हो और कॉपीराइट आपका, अगर आपने ये वेबसाइट बनाई है तो आपका यहाँ पे नाम आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह ये जो है पूरी वेबसाइट, तो मैंने यहाँ पे डेमो दिखा दिया है कि किस तरह ये वेबसाइट दिखने वाली है पूरी की पूरी। तो इसे एक बार रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे मैंने इफेक्ट दिया है, ये देखिए, एजुकेशन सेक्शन, स्किल्स सेक्शन, सर्विस सेक्शन, पोर्टफोलियो का सेक्शंस, ब्लॉग सेक्शंस, कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो इस तरह ये पूरा, और जो ये मेन्यू है ये भी जो है मैंने स्टिकी रखा है ताकि यहाँ से कहीं से भी आप सीधा होवर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी आपको सीखने मिलेगी, जैसे कॉन्टैक्ट किया कॉन्टैक्ट पे, जैसे अबाउट किया अबाउट सेक्शन पे आप पहुँच गए, सर्विस किया सर्विस सेक्शन पे, एंड पोर्टफोलियो के सेक्शन पे। तो ये देखिए सीधा आप यहाँ पे होम किया तो सीधा होम पेज पे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो इसे कैसे ऐड करते हैं और इफेक्ट कैसे देते हैं यहाँ पे, ये भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो हम लेट्स स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन पेज वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है मेन्यू। ऐसे नहीं हम बाद में भी बना सकते हैं, बट हम स्टार्ट करते हैं मेन्यू बनाने में। सो अपे सेम चीज़ आपको करना है, अपीयरेंस में जाना है, मेन्यू पे जाना है। यहाँ पे हम मेन्यू क्रिएट करेंगे, तो एक मेन्यू का हम नाम दे देते हैं। सो वन पेज मेन्यू में नाम देती हूँ यहाँ पे। ओके, मेन्यू में आप देखोगे कि अभी कोई भी पेज नहीं है, तो उसके लिए हम एक पेज बना लेते हैं। तो एक ऐड न्यू पे जाएंगे, तो अभी इसे सेव करेंगे। ओके, सो सेव करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो है इस मेन्यू में, वन पेज वेबसाइट बनाने के लिए हमें कस्टम्स लिंक्स बनानी पड़ती है। तो उसके लिए पेज क्रिएट कर, पेज तो हमारा एक पेज रहेगा, बट उसमें हमें अबाउट सेक्शन में जाना है या सर्विस सेक्शन में जाना है, किसी भी अलग अलग सेक्शन में जाने के लिए हमें कस्टम्स लिंक्स बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम वो कस्टम लिंक का हम लोग जो है, जैसे कि हम यहाँ पे कस्टम लिंक लिख देंगे हैशटैग सर्विसेस, और यहाँ पे लिंक का नाम लिखेंगे सर्विसेज
एड टू द मेन्यू। वैसे ही यहाँ पे हम अबाउट जो जो हम बनाने वाले हैं पेज उनका यहाँ पे हमें यूआरएल देना है और यहाँ पे हमें नाम के वो पेज का नाम क्या होगा। तो ये सब अलग अलग ये हम एक एक ही सेक्शन में बनाने वाले हैं, इसे हमें इसीलिए हम इसे कस्टम लिंक देंगे। और यहाँ पे हम देंगे हैच टैग होम, हैच टैग हम आईडी देते हैं सीएसएस को, किसी भी मतलब हैच टैग और डॉट आईडी और क्लास रहता है सीएसएस का। तो अगर हम वन पेज वेबसाइट बनाएंगे तो हमें आईडी और क्लास की ज़रूरत रहेगी। और जिन्हें पता नहीं है आईडी और क्लास क्या होता है, तो मैंने नीचे बायो में सीएसएस आईडी और क्लास का एक ट्यूटोरियल दिया है, वो आप देख सकते हो। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आईडी और क्लास क्या होता है। पोर्टफोलियो, या वर्क भी लिख सकते हैं। और लास्ट जो है हमारा होगा कॉन्टैक्ट। सो ये हो गया कस्टम्स लिंक। सो वन पेज वेबसाइट में हमें कस्टम लिंक्स बनानी पड़ती है। अब हम मेन पेज बनाएंगे, उनमें ये सारी कस्टम्स लिंक्स ऐड करेंगे। तो जब भी हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो वो अबाउट सेक्शन दिखेगा, सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सर्विस सेक्शन होगा। तो ये हो गया हमारा मेन्यू। अब हम जाएंगे थीम्स पे। यहाँ पे मैं जो थीम यूज़ करने वाली हूँ वो है ओशन डब्ल्यू पी। सो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, और जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है उनको एड न्यू पे जाना है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है ओशन डब्ल्यू पी। सो ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए एक्टिव दिखा रहा है। आपके यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल पे क्लिक करना, फिर वेट करना थोड़ी देर और एक्टिव पे क्लिक कर देना, ताकि ये जो थीम है ये एक्टिव हो जाए। उसके बाद हम लेने वाले हैं प्लगइन्स। सो हम प्लगइन्स लेंगे एलिमेंटल्स और ओशन के, ओशन डब्ल्यू पी के प्लगइन्स है वो भी लेने वाले हैं, क्योंकि वो भी हमें यूज होंगे। तो प्लगइन्स में आपको एड न्यू पे जाना है। सो यहाँ पे भी मैंने जो प्लगइन्स है वो ऑलरेडी ले लिया है। सो आपको यहाँ पे टाइप करना है एलिमेंटर। जैसे आप एलिमेंटर टाइप करोगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो वो इंस्टॉल होगा। तो उसे कुछ टाइम लगेगा। आपको यहाँ पे प्रीमियम एड ऑन फॉर एलिमेंटर भी इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे हम बस अभी के लिए एलिमेंट किट भी आप ले सकते हो। तो ये चार जो है इंस्टॉल कीजिए, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसे अभी एक्टिव मत करना, प्लगइन्स में हम बाद में सारे एक साथ एक्टिवेट करेंगे। एलिमेंटर होने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है ओशन डब्ल्यू पी। सो ओशन डब्ल्यू पी के भी प्लगइन्स है जो कि यूज होंगे हमें। ओशन एक्स्ट्रा लेना, एक्टिव यहाँ पे एक्टिव है, आपको इंस्टॉल का इंस्टॉल नाउ ऐसा दिखेगा, उस पर क्लिक करना। और यहाँ पे आप लेना कस्टम साइड बार, हमें साइड बार तो बनाना नहीं है इसलिए हम नहीं लेंगे। सोशल शेयरिंग भी फिलहाल नहीं चाहिए, स्टिकी एनीथिंग ले लीजिए और प्रोडक्ट शेयरिंग भी ले लीजिए। सो ये दोनों इंस्टॉल कर दीजिए और एक्टिव मत करना, एक्टिव हम एक साथ करेंगे। एक्टिव करने के लिए आपका अगर इंस्टॉल हो जाए, एक्टिव करने के लिए आपको पहले इंस्टॉल प्लगइन पर जाना है। जैसे आप इंस्टॉल प्लगइन पर जाओगे यहाँ पे आपको एक एक करके इंस्टॉल है, यहाँ पे एक साथ एक्टिवेशन का ऑप्शन है, एक्टिव पे क्लिक करना है और सारे प्लगइन सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जो भी आपने इंस्टॉल किया है सारे एक साथ इंस्टॉल एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव करने के बाद अब हम क्रिएट करेंगे पेज। पेज के लिए आपको जाना है एड न्यू पे। सो ये एक पेज वेबसाइट है, इसी पेज पे हम सारा कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी होम, और यहाँ पे मुझे जो लेआउट है साइड बार मुझे चाहिए नहीं, इसीलिए मैं 100% फुल विड्थ रखूंगी। हेडर में मुझे टॉप बार नहीं चाहिए, और टाइटल नहीं चाहिए, और ब्रेड क्रम नहीं चाहिए। तो इन सबको डिसेबल कर देंगे हम, क्योंकि ये सब हमें नहीं चाहिए। और अब इसे पब्लिश करती हूँ। अभी हम करेंगे एडिट विद एलिमेंट। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे हीरो सेक्शन। और यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे,
और एक सेक्शन ऐड करेंगे, वहां पे हम इनर दो इनर सेक्शन और ऐड करेंगे। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है हमारी इमेज होगी, मतलब आपकी इमेज आप डाल सकते हो, कोई भी इमेज आप डाल सकते हो। सो यहाँ पे मैं इमेज डालूंगी। सो मैंने ऑलरेडी इमेज सेलेक्ट की हुई है। अगर आप चाहते हो कि ये इमेजेस जो मैं यूज़ कर रही हूँ वेबसाइट पे आपको चाहिए, तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे इमेजेस आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और या आप खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप खुद अपनी इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने PNG इमेज ली है। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड रिमूव करना है आपकी इमेज का, तो आप रिमूव बैकग्राउंड करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे इमेज आपको जस्ट अपलोड करनी है और वो इमेज जो है ऑटोमेटिक जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और इस तरह दिखेगी। यहाँ पे अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट हेडिंग ऐड करूँगी। यहाँ पे आप हेडिंग में अपना नाम ऐड कर सकते हो, जैसे कि रोड टू वेब यहाँ पे मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल सकते हो, सो आप क्या हो। और नीचे मैं यहाँ पे मैं 1 मिनट इसके जो टेक्स्ट है वाइट करने वाली हूँ। तो उससे पहले जो बैकग्राउंड कलर है इस सेक्शन का, उसे एडिट सेक्शन में जाना है। इस सेक्शन को मैं स्टाइल दूंगी और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ ब्लैक, क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है वो पूरा ब्लैक होने वाली है। यहाँ पे आप #000 भी डाल सकते हो, सो इट विल बी ब्लैक। अगर आप चाहते हो कोई और कलर कॉम्बिनेशन लेना है अपनी वेबसाइट का, तो आप वो भी ले सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वही आप वेबसाइट का कलर यूज़ करो। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाऊंगी आपको, बैकग्राउंड ओवरले, मतलब मैंने जो कलर दिया है उस पर भी मैं एक और इमेज या कलर ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है क्लासिक में, और यहाँ पे मैं इमेज लेने वाली हूँ, ये क्लाउड वाली। सो आप देखोगे यहाँ पे क्लाउड वाली इमेज नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे उसका जो पोजीशन है उसे मैं सेंटर सेंटर करूँगी, ये देखिए। और रिपीट यहाँ पे मैं नो रिपीट रखूँगी। साइज जो है यहाँ पे कवर करना है, ताकि जो है वो इमेज प्रॉपरली आपको दिखे। ये देखिए दिख रही है, अब क्लाउड से ये बाहर निकला है। सो ये क्लाउड वाली इमेज मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी। ओपासिटी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको पूरी दिखानी है इमेज या हल्का क्लाउड दिखाना है। तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा हल्का क्लाउड रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा क्लाउड का इमेज नहीं दिखाना है। तो इसकी ओपासिटी जो है मैं 50% कर रही हूँ। अब आता है शेप डिवाइडर। नीचे ही आप देखोगे यहाँ पे एक शेप डिवाइडर का ऑप्शन है, तो आप शेप डिवाइडर जो है वो टॉप में भी दे सकते हो, बॉटम में भी दे सकते हो। मैं बॉटम में यूज़ कर रही हूँ, शेप डिवाइडर अलग अलग है। यहाँ पे मैं माउंटेन शेप डिवाइडर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे आप जो है उसका विड्थ भी डिसाइड कर सकते हो, कि ये देखिए विड्थ इसका कैसा रखना है, उसकी हाइट कैसी रखनी है शेप की, ये भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे, ये देखिए। और शेप डिवाइडर के जो नीचे की जगह है वहाँ पे, जो यहाँ पे आप देख रहे हो कलर, वहाँ पे आप कलर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं #000 ब्लैक कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह कुछ दिखेगा। और इसको जो हाइट है ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं हल्की सी शेप की हाइट दूंगी और अपडेट करेंगे इसे। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस किए वो चेंजेस देखने के लिए यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो है अपने आप जहाँ यहाँ पे जैसे आप अपडेट करोगे यहाँ पे चेंजेस ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे, ये देखिए इस तरह दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पे हम चलते हैं फिर से हेडिंग पे। हेडिंग को हम टाइपोग्राफी जो है, यहाँ पे मैं पॉपिंग्स यूज कर रही हूँ। आपको जो भी फोन पसंद है गूगल फोन से, तो आप वो ले सकते हो और यूज कर सकते हो। तो मैं पूरे वेबसाइट पे यही बताना चाहती हूँ कि जो भी आप फोन ले वो पूरे वेबसाइट पे एक ही फोन यूज करे हो सके, तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। सो यहाँ पे मैं पॉपिंस ले रही हूँ, और ये नाम है तो इसकी साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। सो 50 पिक्सल कर देते हैं, और इसका थोड़े इसे थोड़ा बोल्ड भी रखते हैं। और बस दैट्स इट। अब मैं लूंगी टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जो है वो पैराग्राफ के लिए काम आता है। तो पैराग्राफ के लिए मीन्स हमें कुछ ज्यादा अपने बारे में लिखना है यहाँ पे। मतलब पैराग्राफ मतलब होता है, टेक्स्ट एडिटर मतलब पैरा का काम करता है, जो पी टैग बेसिकली है वो काम करता है। और जिन्हें पता नहीं पी टैग क्या है, एक्चुअली जो हम डिटेल लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ये टेक्स्ट एडिटर यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने डेमो टेक्स्ट लिया है। अगर आप चाहते हो अपने बारे में लिखना या कुछ भी अपना डिटेल लिखना चाहते हो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो नोट पैड पे मैंने जो है, ये देखिए मैंने नोट पैड पे ऑलरेडी जो कलर है बटन का है या हेडिंग का है ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है। इस तरह आप डिसाइड करके सेव कर सकते हो वेबसाइट के कलर, और
जब चाहिए तब यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टाइल में जाएंगे, सबसे पहले टेक्स्ट का कलर जो है, यहाँ पे मैंने जो नोट डाउन किया है ATE, तो वो मैंने रखा है यहाँ पे। अब इसकी टाइपोग्राफी जो है सेम रहेगी, फ़ॉन्ट फैमिली भी पॉपिंग्स, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसकी 18 करते हैं, और फ़ॉन्ट विड्थ जो है 500 कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए 500 नहीं, इसका 7 दिया तो इसको हम 600 दे देते हैं। या परफेक्ट। अब आप देखोगे ये जो है बहुत ही ऊपर लग रहा है, तो हमें यहाँ पे एडिट सेक्शन में जाना है और जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो मिडल रखना है, ताकि जो इमेज है उसके मिडल में आ जाए, ये देखिए प्रॉपर आ जाए। अब यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करना चाहूँगी, सो बटन जो रहेगा यहाँ पे हम जाएंगे 9 डॉट्स के यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से हम एक बटन लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। सो बटन जो है मेरा सीधा जाएगा पोर्टफोलियो पे। आपको जहाँ पे डालना है, कॉन्टैक्ट पे डालना है, तो आप कॉन्टैक्ट पे भी डाल सकते हो। सॉरी, लिंक में मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका नाम जो है चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे इसे भी हम स्टाइल करेंगे। स्टाइल में जाना है आपको, टाइपोग्राफी जो है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी पॉपिंग्स कर दूंगी, साइज इसकी मैं 18 कर देती हूँ, और बोल्ड इसको भी मैं 600 बोल्ड कर देती हूँ। और अब इसकी जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट ही रहने देंगे। बैकग्राउंड कलर इसका मैं चेंज करूँगी, तो बैकग्राउंड कलर जो मैं बटन के कलर है वो ये लेने वाली हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर लिया, ये बटन का कलर होने वाला है। अब इसे थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, या अब बेटर है, और इसको पैडिंग भी देते हैं हम। तो बिना पैडिंग के बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो टॉप और बॉटम में जो देने वाली हूँ पैडिंग वो है 15, और लेफ्ट एंड राइट में मैं 50 पिक्सल पैडिंग देने वाली हूँ। ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड होवर नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ बताती हूँ, होवर में बैकग्राउंड कलर ही नहीं, आप एनिमेशन भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन दे रही हूँ ग्रो, ये देखिए जैसे बटन पे क्लिक करें बटन ग्रो हो रहा है, वैसे आप अलग अलग यहाँ पे एनिमेशन दे सकते हो। पॉप, तो ये देखिए पॉप हो रहा है, और बाउंस इन, ये देखिए बाउंस हो गया। सो इस तरह आप एनिमेशन भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार की तरह बैकग्राउंड कलर ही चेंज करें होवर के करने पर। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे एनिमेट भी कर सकते हो इसे। तो यहाँ पे मैं ग्रो रखती हूँ इसे। ओके, अब इसे अपडेट करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे अपने आप अपडेट हो रहा है, हमें अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए पोर्टफोलियो पे क्लिक करिए तो ये ग्रो हो रहा है। अब यहाँ चाहते हो आप इसे स्लाइड देना तो वो भी दे सकते हो, जैसे आपको सेक्शन पे क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, मोशन इफेक्ट आप दे सकते हो इसे, स्लाइड इन स्लाइड अप, फेड इन फेड अप। तो स्लाइड, जैसे यहाँ पे मैं इसे दे देती हूँ स्लाइड इन लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट से आ रहा है, और इसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, सेम चीज़ इसे भी दे सकते हैं। आपको जस्ट एडवांस में जाना है, आपको ये सेक्शन पे क्लिक करना है, एडिट सेक्शन एडवांस, और यहाँ पे मोशन इफेक्ट है, वहाँ पे आप एंट्रेंस एनिमेशन कोई भी एनिमेशन दे सकते हो। तो स्लाइड इन राइट इसे रखते हैं, इसे भी हम स्लो रखेंगे, बस अपडेट। ये देखिए जैसे रिफ्रेश होगा, ये देखिए स्लाइड होके आया है। और एक इफेक्ट देने वाली हूँ मैं यहाँ पे पूरे स्लाइडर को, तो यहाँ पे मैं पूरा स्लाइडर सिलेक्ट कर रही हूँ, ये पूरा जो स्लाइडर है उसे हम एडवांस में जाएंगे, मोशन इफेक्ट, इसका मैं पूरा स्लाइड इन राइट, ये स्लाइडर नहीं सॉरी, ये जो 9 डॉट दिख रहा है उस पर आपको जाना है और एडवांस में जाना है, और यहाँ पे मैं उसको मोशन इफेक्ट देने वाली हूँ स्लाइड इन राइट। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो पेज है वो पूरा स्लाइड हुआ है। तो इस तरह पूरे पेज को भी आप स्लाइड्स दे सकते हो। इसे हटा देते हैं, नहीं
ये देखिए अब ये देखिए पूरा का पूरा पेज जो है वो स्लाइड हो गया है। अब हम फटाफट टाइम वेस्ट ना करते नेक्स्ट बना रहे हैं, तो अभी हम बनाएंगे अबाउट सेक्शन। अबाउट के सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपके बारे में, आप क्या कर चुके हो, आपके नेम, आपका डेट बर्थ, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। तो यहाँ पे हम अबाउट सेक्शन के लिए बनाएंगे। सो यहाँ पे भी एक सेक्शन ले लेते हैं। ये सेक्शन को भी हम सेम स्टाइल देंगे, तो या तो आप ऊपर से कॉपी कर सकते हो सेक्शन, या तो आप स्टाइल भी दे सकते हो। तो पहले जो है मैं यहाँ पे पैडिंग नहीं दिया, वो पैडिंग दे देती हूँ। यहाँ पे मैं टॉप पैडिंग दे रही हूँ 100, क्योंकि हम जब ट्रांसपेरेंट करेंगे तब जो ये अबाउट सर्विस सेक्शन है वो अंदर आ जाएंगे, तो इसके लिए स्पेस चाहिए। यहाँ पे मैं 100 दूंगी और बॉटम मैं 50 पिक्सल दे देती हूँ। अपडेट कर देते हैं इसे। अब इस सेक्शन को ही कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको ये सेक्शन करेंगे हम। तो ये सेक्शन में भी आपको क्या करना है, सेम चीज़ करनी है, 9 डॉट पे क्लिक करना है। इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है हम ब्लैक ही देने वाले हैं। सो #FFF सॉरी #000, सो ये ब्लैक हो गया। अब यहाँ पे भी मैं दो इनर सेक्शन ऐड करूँगी। एक सेक्शन में जो है इमेज ऐड होगा, दूसरे सेक्शन में जो है टैक्स ऐड होगा, वो बाद में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने इमेज ली हुई है, सो आप अपनी इमेज भी ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। सो ये एक इमेज ली है मैंने। यहाँ पे एक इमेज का विड्थ आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि कोई इमेज बड़ी है तो आप इसे छोटी भी कर सकते हो। ये देखिए छोटे से बड़ा अपने हिसाब से जो है विड्थ भी डिसाइड कर सकते हो कि कितनी साइज रखनी है इमेज की। अब हम यहाँ पे अबाउट अस बनाएंगे, तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे ये कॉपी करके यहीं पेस्ट करना है। तो ये देखिए आधा काम तो यहाँ ही हो गया अपना। अबाउट डालना है यहाँ पे, अबाउट मी बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, ये कॉपी करके सेम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप। सो ये हो गया अबाउट में, यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। अब हम यहाँ पे नीचे लेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट क्यों ले रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हो, नेम नेम यहाँ पे मैं रोड टू वेब डाल देती हूँ, आप अपना नाम डाल देना। यहाँ पे स्टाइल में हम वापस जाएंगे, इसे हम कलर करेंगे। टाइपोग्राफी इसकी चेंज करेंगे पॉपिंग्स। बोल्ड हम इसे रखेंगे 500 और साइज इसकी हम करेंगे 23। ओके तो ये हो गया हमारा नेम। सो नेम हो गया, अब थोड़ा छोटा लिखते से। सो मैं यहाँ पे वापस जाऊँगी, 20 कर दूँगी इसे। परफेक्ट, ये हो गया नेम। अब हम यहाँ पे इसे सेम आपको क्या करना है, जस्ट डुप्लीकेट करना है यहाँ पे, और इसे हम और डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट आपको जस्ट डुप्लीकेट करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आप नेम को वापस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेम की जगह पे आप अपना ईमेल डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ईमेल डाल दिया मैंने, और यहाँ पे नेम की जगह आप टेलीफोन नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना नंबर ऐड कर सकते हो, अपनी वेबसाइट डाल सकते हो अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे रोड टू वेब में अपनी वेबसाइट पे क्लिक करती हूँ, जो भी वेबसाइट है वहाँ पे आप लिख सकते हो, और यहाँ पे वेबसाइट को लिंक भी दे सकते हो। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, ये देखिए लिंक दे दिया इसे, तो इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इसे अपडेट कर देते हैं।
सो ये देखिए अपडेट कर दिया मैंने, ये इस तरह दिखेगा। अब ये भी जो है टॉप में ज्यादा है, इसे हम नीचे कर देंगे। तो आपको जस्ट इस एडिट कॉलम पे जाना है, वर्टिकल अलाइन का आपको मिडल रखना है, तो ये इमेज के क्या है साथ में हो जाएगा। ये देखिए इमेज के साथ में हो गया। तो यहाँ पे आप अबाउट में और भी, अगर आपको कुछ भी और भी डेटा ऐड करना है वो भी आप अबाउट में डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगी एजुकेशन और एक्सपीरियंस लेंगे हम, इसके लिए हम एक और कॉलम लेंगे, उसे भी हम जो है उसका हम बैकग्राउंड कलर रखेंगे ब्लैक। सो मेरा पूरा वेबसाइट ब्लैक है, तो ऑफ कोर्स इसे उसे भी हम ब्लैक ही रखेंगे। अब यहाँ पे हम एजुकेशन के लिए जो है, तो आपको यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं दो इनर सेक्शन ऐड करूंगी, एक जो है एजुकेशन के लिए, एक में हमारा आएगा एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूंगी, 9 डॉट पे जाना है। यहाँ पे मैं एक नई चीज़ यूज़ करने वाली हूँ, वो है टोगल। तो टोगल भी आपको एलिमेंटर से फ्री मिलता है। ये देखिए यहाँ पे टोगल के ऑप्शंस है, अकॉर्डेंस है, टैब्स है, तो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ टोगल्स। तो आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो टोगल में क्या रहेगा, जैसे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो है अलग अलग एजुकेशन शो होगा। तो उससे पहले हम हैडिंग दे देंगे, तो हैडिंग जो है हमारी ये कॉपी यहाँ पे करके पेस्ट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी, तो हेडिंग को यहाँ पे हम देंगे एजुकेशन, हेडिंग हम यहाँ पे देंगे एजुकेशन, और इसे थोड़ा छोटा हेडिंग रखेंगे। तो टाइपोग्राफी इसकी चेंज करके हम कर देंगे 30। अब यहाँ पे आते हैं हम टॉगल पे, टॉगल पे आप यहाँ पे एजुकेशन दे सकते हो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मतलब आपने कहाँ से एजुकेशन किया है। तो सपोज यहाँ पे आप अपना एजुकेशन का डिटेल दे सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने क्या एजुकेशन किया है, जैसे यहाँ पे आपने किया है डिप्लोमा, तो आप लिख सकते हो डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग। तो आपने जो भी एजुकेशन किया है आप उस एजुकेशन का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो जैसे कि कब की आपने एजुकेशन, सो 2016, 17, तो 2019 और 2020 भी है ये एजुकेशन की। तो आप इसका ईयर लिख सकते हो, अगेन स्पेस देख के आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी या कहीं से भी आपने की हो वहाँ पे अपना नाम दे सकते हो, कॉलेज का नाम दे सकते हो। और नीचे आप जो है, मैं यहाँ पे डेमो टेक्स दूंगी ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे आप उसके बारे में डिस्क्राइब भी कर सकते हो। कहाँ से की आपने उसके बारे में, और आप चाहते हो कि थोड़ा और उसके बारे में लिखे तो आप उसके बारे में आप लिख भी सकते हो कि क्या एजुकेशन की है, उसके रिलेटेड आपने क्या पढ़ाई की है, आपको क्या क्या आता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपने अभी एजुकेशन के बारे में डिटेल डाल सकते हो। सो सेम चीज़ आप अभी यहाँ पे रिमूव करो, पहले इसे हम एडिट कर देते हैं, इसे भी हम स्टाइल करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे स्टाइल का ऑप्शन है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर आप देना चाहते हो तो ठीक है वरना कुछ नहीं, स्पेस बिटवीन, यहाँ पे आप स्पेस भी डिसाइड कर सकते हो कि टॉगल के बिटवीन का स्पेस आपको कितना रखना है। तो मैंने अभी ऐड नहीं किया है। टाइटल अभी जो डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग वो टाइटल है, इसे भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कलर उसका दे दिया वाइट, और होवर करने पे जो कलर है मैं ये दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जब एक्टिव रहेगा तब ये कलर रहेगा, और कलर जब नहीं रहेगा तब वाइट रहेगा। अब इसकी टाइपोग्राफी भी हम चेंज करेंगे, इसे हम देंगे पॉपिंग, साइज इसका हम देंगे 18, थोड़ा बड़ा करते हैं 20। उसी तरह हम आइकन भी डिसाइड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट इसे कैसे रखना है। आइकन का भी कलर हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या देना है, जैसे कलर हम इसे ये दे देते हैं, और इसका एक्टिव कलर इसका हम अलग देते हैं, वो है वाइट। तो ये देखिए
चेंज हो गया कलर। कंटेन कलर भी हम डिसाइड कर सकते हैं, कंटेन का जो कलर है वाइट कर देते हैं उसे, या थोड़ा हल्का ब्लैकिश रखते हैं। तो कंटेन का कलर भी हम चेंज कर दिया, उसे भी हम टाइपोग्राफी देंगे 18 15, और उसकी फैमिली हम देंगे पॉपिंस, बोल्ड हम करेंगे, वेट देंगे 50। सो कंटेन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जो है आइकन भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो है आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे कंटेन में जाओगे आपको नीचे आइकन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको SVG डाउनलोड करनी पड़ेगी आइकन के लिए। जैसे कि हम देखते हैं फेल्टिकॉन आइकन करके है, यहाँ से हम आइकन खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लैटिकॉन आइकन करके है, यहाँ पे आप अपना आइकन डिसाइड, जैसे बुक है तो एजुकेशन है तो हम बुक का आइकन लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे जाना है, बुक बुक टाइप करना है, तो आपको बुक दिख जाएगी। यहाँ पे अलग अलग बुक्स के आइकन दिखेंगे। तो यहाँ पे ये वाले जो रहेंगे जहाँ पे ताज है वो पेड है, और बाकी के जो है वो फ्री है। तो आप यहाँ पे आइकन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको SVG डाउनलोड करना पड़ेगा, तो हम SVG डाउनलोड कर देते हैं, और एक ओपन बुक और क्लोज, दो SVG डाउनलोड करते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको आइकन क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड पे जाना है, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ पे डाउनलोड बुक्स, तो बुक्स का मैंने डाउनलोड करके रखा है, वहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। तो आइकन जो है वो बुक में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बुक का आइकन की लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। आप कोई भी एजुकेशन है, तो मैंने सोचा बुक जो है ऑल आइकन में जाना है, यहाँ पे आप बुक भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए अलग अलग बुक्स है, सो कोई भी बुक्स एक सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैंने बुक कर ली इंसर्ट, ये देखिए बुक आ गई। तो एक्टिव आइकन, जब एक्टिव रहेंगे तभी कौन से आइकन चाहिए, तो यहाँ पे मैं वापस ऑल आइकन में जाऊंगी, यहाँ पे भी आपको बुक टाइप करना है, और ओपन, जब एक्टिव करेंगे तो ओपन बुक। सो ये देखिए बुक का आइकन आ गया है यहाँ पे। और आइकन का भी कलर आप, मैंने बताया था कट स्टाइल में जाके आइकन का भी कलर आप चेंज कर सकते हो। तो आइकन का कलर भी एक्टिव कलर है जो व्हाइट है, और ये है जो पिंक है, मतलब जब हम एक्टिव करेंगे तभी ये कलर होगा। स्पेसिंग दे सकते हो, यहाँ पे देखिए आप स्पेस बहुत वो चिपका चिपका सा लग रहा है, तो हम इसे थोड़ा स्पेस दे देते हैं। तो ये हो गया स्पेस, अपडेट कर देते हैं। तो आपको बस एक में थोड़ा मेहनत लगेगा, बाकी सब आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो अब एक बार बनने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट उसके नीचे कॉपी करते जाना है, तो फटाफट बन जाएगा। ये देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो एजुकेशन है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये देखिए जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा उसका डिटेल आ जाएगा कि कब किया एजुकेशन, कौन से कॉलेज से किया, और उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन। तो इस तरह आप अलग अलग आपका 10th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड से सारे एजुकेशन आप ऐड कर सकते हो। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, टॉगल पे जाना है, कंटेंट में जाना है, यहाँ पे आपको बुक की तरह आइकन दिखेगा, आपको जस्ट उसको कॉपी करना है। कॉपी करने से क्या होगा, आपको जितने ऐड करने हैं 4 5 सारे ऐड हो जाएंगे, बस अपडेट करना है। तो आप अभी यहाँ पे देखोगे मैंने 5 ऐड किए, पांचों के पांचों आ गए इस पे, ये देखिए। तो जैसे ही इस पे होवर कर रही हूँ, ये देखिए पूरा तो यहाँ पे आप अपना अपना अलग अलग एजुकेशन भी डाल सकते हो। अब ये जो बॉर्डर है यहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ, अगर आपको चाहिए कि बॉर्डर डालना है तो आप बॉर्डर डाल सकते हो। तो बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर 0 रखती हूँ, 0, अपडेट। तो ये देखिए बॉर्डर भी रिमूव कर सकते हो आप। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जस्ट आपको क्या करना है, यही कॉलम पूरा डुप्लीकेट करना है, ये वाला डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन के बदले हम डाल देंगे एक्सपीरियंस, बस। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल दिया, अब इस पर क्लिक करना है, एक्सपीरियंस आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे आइकन पे क्लिक करना है, और टाइटल चेंज कर दीजिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा, पहले
पहले का कहीं जॉब का, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो टाइटल पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर टाइटल पे जाना है। टाइटल पे आप यहाँ पे दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो जैसे कि आपने कहाँ पे कहीं काम किया हो या इंटर्नशिप की हो, तो इंटर्न एज ए फ्रंट एंड डेवलपर या जो भी आप थे वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो फ्रंट एंड डेवलपर मैं थी एक जगह इंटर्न, तो वो मैं डाल देती हूँ। तो फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ पे आप ईयर डाल सकते हो, कहाँ पे किया, कहाँ कहाँ से, कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दो आप कि इस कंपनी में किया, कंपनी नेम। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि उस कंपनी में आपने क्या क्या काम किया। तो इस तरह आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस देखिए आप एक साथ बन गया, करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको रिमूव करके यहाँ पे जस्ट आपको एक्सपीरियंस ऐड करना है। तो आपको जस्ट कॉपी करना है, तो आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो ऐड हो जाएंगे। आइकन चेंज कर सकते हो, आइकन लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप डाल सकते हो। तो मैं ऑल आइकन पर जाना है, यहाँ पे आप बैग भी मैं बैग डाल देती हूँ यहाँ पे, सो बैग अच्छा लगेगा। इंसर्ट, बस बैग डाल दिया, इंसर्ट चेंज हो गया। और वापस हम आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे, बैग डाल देते हैं, यहाँ पे भी ब्रीफ केस डाल देते हैं, सो ब्रीफ केस ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ब्रीफ केस, ये वाला ब्रीफ केस डाल देती हूँ मैं, बिजनेस ब्रीफ केस इंसर्ट। तो ये देखिए, जब क्लिक किया तब ब्रीफ केस बंद था और इसे ये देखिए ओपन हो गया। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ी सी पैडिंग ऐड करनी ज़रूरी है, तो सेक्शन में जाना है, एडवांस में जाना है। यहाँ पे हम पैडिंग देंगे टॉप 50 और लेफ्ट राइट बॉटम, तीनों हम 50 दे देंगे ताकि ये मिडल में आ जाए। तो ये देखिए, अब यहाँ पे पैडिंग होगी तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये देखिए, सो पैडिंग डालने से थोड़ा बेटर दिख रहा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना सर्विसेज। सर्विसेज मतलब होगा कि हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करना है, जैसे कि हम आपको जब हम जहीं काम करने वाले हैं वहाँ पे हम क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एज ए वेब डिज़ाइनर हम, मैं प्रोवाइड करूँगी कि मैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाऊँगी, या फिर कस्टम वेबसाइट बनाएंगे हम, या कोडिंग वेबसाइट बनाएंगे। तो ये हमारी सर्विस है। पे ऐड करेंगे एक सेक्शन, इसे भी हम जो स्टाइल देंगे ब्लैक, तो आपको जस्ट कलर पे जाना है और यहाँ पे हम ब्लैक कलर दे देंगे इसे। अब आपको यहाँ पे जो है एडवांस में जाऊंगी मैं, पैडिंग भी दे दूंगी टॉप और बॉटम 50, राइट लेफ्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम राइट और लेफ्ट को हटा देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। सो जो अबाउट मी है, आपको ये सर्विस ऐड करने के लिए ये जस्ट आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे हम डाल देंगे सर्विस। अब हम 9 आइकन पर जाएंगे। अब यहाँ पे पहले इनर सेक्शन ऐड करेंगे। इनर सेक्शन के अंदर हम डालेंगे आइकन्स। तो आइकन्स क्या रहेंगे, आइकन एक बॉक्स जो रहता है उसमें हम सर्विस के अलग अलग आइकन्स भी डाल सकते हैं और उसे एक अच्छे से हैडिंग और पैराग्राफ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आइकन में आपको दिखेगा कि आइकन की लाइब्रेरी है, सो हमें एलिमेंटर जो है आइकन की लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मैं फिल्टर करती हूँ कंप्यूटर, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कंप्यूटर। तो आइकन सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे कंप्यूटर, तो ये देखिए कंप्यूटर। सो वेबसाइट डिज़ाइन में आप कुछ भी कंप्यूटर है, और यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज कर दूंगी, वो है वर्डप्रेस। तो उसके रिलेटेड जो भी आपकी हेडिंग रहेगी उसके रिलेटेड आप आइकन ले सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था फ्लैटिकन आइकन से आप अपलोड कैसे करके डाल सकते हो। तो आइकन फिलहाल मैं आइकन लाइब्रेरी से ही ले रही हूँ ताकि फटाफट हो जाए। अभी यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया और यहाँ पे पैरा, तो पैरा तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसे हम स्टाइल देंगे। स्टाइल में भी आप यहाँ पे आइकन से लेके सबको स्टाइल भी कर सकते हो। तो आइकन का जो कलर है वो हम ये कलर रखेंगे जो मैंने बटन को कलर दिया था, ये देखिए आइकन का ये कलर रखेंगे। और इस पर होवर करने के बाद इसका कलर जो है वाइट कर देंगे, ये देखिए जैसे होवर होगा ये कलर जो है वाइट हो जाएगा। या तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, जब ही नॉर्मल कलर हम इसका वाइट रखते हैं
और इसके होवर करने पे हम है पिंकिश कलर जो मैंने दिया था उस पर वो कलर आ जाएगा। सेम चीज़ हम हेडिंग के लिए भी करेंगे, तो कंटेंट नीचे दिखेगा आपको, वहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे कलर का ऑप्शन है टाइटल का। टाइटल का कलर जो है हम वाइट रखेंगे। टाइपोग्राफी चेंज करूँगी मैं इसकी, पॉपिंग्स रोबोटो से हम करेंगे पॉपिंग्स, और इसकी जो वेट है हम दे देंगे 18 या 20 रख देते हैं इसकी, और फ़ॉन्ट हम इसे 600 ही देंगे क्योंकि ये हेडिंग है। सेम चीज़ आपको पैरा के लिए भी करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है टाइटल के नीचे, वहाँ पे कलर जाना है। पैरा जो है हम हल्का लाइट वाइट रखेंगे, और इसके जो डिस्क्रिप्शन को सेम चीज़ करेंगे पॉपिंग्स। आपको सिर्फ एक कॉलम में मेहनत करनी है, बाकी के कॉलम जस्ट कॉपी पेस्ट है, और इसे हम कर देंगे 18, 15, 16, और इसकी हम 500 रखेंगे इसकी हाइट। और टाइटल जो है टाइपोग्राफी में इसकी थोड़ी बड़ी करती हूँ, 18 कर देती हूँ, थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा टाइटल। टाइटल जो है वो थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा, सो टाइटल की टाइपोग्राफी में जाके इसे 22 कर देती हूँ मैं वर्डप्रेस। या तो अब बेटर लग रहा है। अब इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को मैं इफेक्ट दूंगी थोड़ा ताकि अच्छा लुक दिखे। कॉलम पे एडिट कॉलम पे जाना है, स्टाइल पे जाना है। इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं वो चेंज कर रही हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका मैं जो है 3B4 3333, ये इसका बैकग्राउंड कलर होगा। और जब इस पे होवर करेंगे तभी इसका कलर जो है ये होगा। इसमें दो कलर है बट हम एक ही कलर लेंगे, तो इसे रिमूव कर देते हैं। होवर करने के बाद जो कलर है, मैं क्लासिक करूँगी पहले, और होवर करने के बाद जो कलर है ये रहेगा। बट इसकी जो ट्रांसपेरेंसी हम कम कर देते हैं, ये देखिए ये ओपासिटी, मतलब होवर करने पे ज़रूरी नहीं है कि आपको डार्क रेडिश कलर ही दिखाना है, आप उस पर लाइट कलर भी दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे होवर किया तो यह लाइट रेड आ रहा है, देखिए जितना हम यहाँ पे ओपासिटी कम करेंगे तो उतना ही होवर पे लाइट आएगा, लाइट कलर आएगा। तो ये ओपासिटी डिसाइड करती है, नीचे की जो लाइन है वो कलर की ओपासिटी डिसाइड करती है कि आपको होवर करने पे कैसा लाइट चाहिए कि डार्क चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है उसे डिलीट कर दो आप। अब इस कॉलम को डुप्लीकेट कर देते हैं हम, सेम एक और बार डुप्लीकेट कर देते हैं। तो ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत चिपक चिपक के ये जो है कॉलम एक दूसरे से, तो इसे हम मार्जिन दे देते हैं थोड़ी। इसे हम देंगे लेफ्ट मार्जिन थोड़ा, 10, लेफ्ट नहीं राइट, सॉरी। तो यही चीज़ आपको जस्ट कॉपी करनी है यहाँ पे, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल अपडेट करेंगे। तो आप सर्विसेज पे आओगे तो ये देखिए आपकी सर्विसेज जो है कितनी प्रॉपरली शो हो रही है, जैसे आप होवर कर रहे हो तो ये चेंज हो रही है सर्विसेज, ये देखिए। तो मैं आइकन जो है उसके लिए, आइकन का जो कलर है वो मैं प्राइमरी कलर इसका पिंक रखूंगी, और होवर कलर इसका मैं वाइट रखूंगी। सबके लिए यही करूंगी मैं। तो आपको जस्ट कॉपी करना है पेस्ट स्टाइल। इसे रिमूव कर देते हैं। इसे डुप्लीकेट कर देते हैं फिर से। तो ये हो गया हमारा सर्विसेज। तो आइकन का कलर मैंने चेंज कर दिया फिर से, क्योंकि ये पूरा वाइट लग रहा था इसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी इसे आइकन का कलर जो मैंने है होवर करने पे वाइट कर दिया है, अभी बेटर लग रहा है। अब इसे हम पैडिंग देंगे। आपको जस्ट 3 आइकन पे जाना है, एडवांस में जाना है, और इसकी हम बॉटम पैडिंग देंगे 50, और इस सेक्शन को जस्ट डुप्लीकेट कर देंगे। तो आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज बता सकते हो, 4, 5, 6 जितनी भी आपकी सर्विसेज है, 2 है तो आप 2 भी बता सकते हो, एक रिमूव कर देना, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस ऐड किया, यहाँ पे वेब डिजाइनिंग है,
ग्राफिक डिजाइनिंग है, जो भी आपकी सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो ऐड करना है। तो मेन जो इसमें क्या है, एक ही सेक्शन पे मेहनत, एक ही कॉलम पे मेहनत करनी है, बाकी सब क्या है, डुप्लीकेट है। तो इससे ये हो गया हमारा सर्विस सेक्शन। आपको क्या आता है टेक्निकली, जैसे जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं तो हमें HTML, CSS ये सब आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपनी स्किल लिखेंगे, जैसे मुझे HTML आता है, तो HTML आपको यहाँ पे परसेंटेज बता सकते हो कितना आता है, 60, 70, 80, 90% आता है। देन परसेंटेज आप हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो, और इनर टेक्स्ट आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं हाइड रख रही हूँ। इनर टेक्स्ट बेसिकली मतलब आपको इनर में भी अगर HTML शो करना है तो आप शो कर सकते हो। यहाँ पे अभी आपको स्टाइल में जाना है और इसे भी स्टाइल करना है। बेसिकली जितने भी हम सेक्शंस बनाते हैं उन सब एक कॉलम को आपको स्टाइल करना है। बताया था आपको पिंक कलर है, वो यहाँ पे लेने वाली हूँ, और उसका बैकग्राउंड वाइट ही रहने देती हूँ। और हाइट इसकी हम डिसाइड कर सकते हो, ये बहुत ही मोटा लग रहा है, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, या अब परफेक्ट है। इसकी बॉर्डर रेडियस भी डिसाइड कर सकते हैं, जितना आपको 50% 60% कितना उसका रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे मैं 25% इसका बॉर्डर रेडियस कर देती हूँ। इनर का जो है, इनर मतलब होता है यहाँ पे जो हम टाइपोग्राफी लिखते थे उसके अंदर आपको टाइपोग्राफिक चेंज चाहिए तो वो भी चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इनर लिया नहीं है, बट अगर इनर लोगे तो यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी चेंज करनी है पॉपिंस, और उसे वेट देना है आपके हिसाब से जो वेट देना है, और उसकी साइज भी आप डिसाइड कर सकते हो कि 12, 20 कितना, ये देख सकते हो आप। ये जो 88 है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, जितना भी आपको करना है उस हिसाब से आपको साइज देनी है। बाद में टाइटल ये जो HTML लिखा है उसका कलर आपको चेंज करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं हैशटैग लिखूंगी FF, टाइटल मैं वाइट कलर रखूंगी, टाइपोग्राफी इसकी भी मैं पॉपिंस करूंगी। सो पूरे वेबसाइट की एक ही टाइपोग्राफी दीजिए। यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा रखती हूँ मैं, 20, तो आप देखोगे। और इसकी वेट जो है थोड़ी सी मैं ज़्यादा रखती हूँ, 600 कर देते हैं इसे। यस, सो परफेक्ट। तो बस एक बन गया, आपको बाकी का क्या करना है, जस्ट डुप्लीकेट करना है। तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर दूंगी। सो आपने जो जो स्किल, जैसे मुझे यहाँ, जैसे वेब डिजाइनिंग में HTML, CSS, PHP होता है, वैसे आप जो पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड जो भी स्किल्स है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे बस आपको बस डिजाइन तो पूरी रेडी है, जस्ट आपको यहाँ पे HTML के बदले यहाँ पे हम लिख देंगे CSS, और परसेंटेज आप चाहते हो कि कम दिखाना है या ज़्यादा दिखाना है तो वो भी आप इसमें दिखा सकते हो। और बस अभी आपको इसी तरह दूसरों में भी CSS के बदले यहाँ पे हम HTML के बदले PHP लिख देंगे, और यहाँ पे WordPress लिख देंगे, और परसेंटेज आपको जितना नॉलेज है उस हिसाब से परसेंटेज आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा सेम, यहाँ पे ये डुप्लीकेट कर देते हैं। तो बस अभी इस कॉलम को हम डुप्लीकेट करेंगे, तो ये देखिए साइड में भी बन गया। तो अगर आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप इसमें यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो, वरना आप 1, 2 या 5, 6 जितना है आपका जो स्किल है, टेक्निकल स्किल्स है, वो आप इसमें शो कर सकते हो। तो ये स्किल्स हो गया, सर्विसेज मैंने बता दिया। अब हम लेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आप शो कर सकते हो, तो इसके लिए हम एक सेक्शन लेंगे, तो मैं इसी सेक्शन को डुप्लीकेट कर दूंगी। बट मुझे ये जो सेक्शन, ये जो सर्विस का सेक्शन है वो नहीं चाहिए, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। बस अभी सर्विस को आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के लिए मैं एक फिल्टर गैलरी यूज करने वाली हूँ, फिल्टरेबल गैलरी। तो आपको जस्ट ड्रैग एंड फिल्टर गैलरी सर्च करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये देखिए फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर हो सकती है ये गैलरी। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई अलग, जैसे कि वेब डिजाइनिंग की वेबसाइट है तो वो दिखानी है, तो यहाँ पे गैलरी आइटम वेबसाइट डिजाइन रख देंगे, यहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइन रख देंगे। तो दो गैलरी में ऐड कर रही हूँ, तो आप अलग अलग डिजाइन और या कुछ भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो आपके पढ़ाई के हिसाब से। तो यहाँ पे गैलरी आइटम्स जो है, यहाँ पे आप देखोगे आइटम टू शो 6, तो 6 दिखा सकते हो, 9 दिखा सकते हो। तो फिलहाल जो है मैं 6 रख रही हूँ, तो 6 मतलब होता है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 दिख रही है। फिर एनिमेशन ड्यूरेशन है, ये कॉलम्स आप 3 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, फोटो कितने दिखाने हैं आपको, फिर इमेज की हाइट है, आइकन लाइब्रेरी है, अगर यहाँ पे आइकन आपको रखना है या नहीं रखना है तो भी आप रिमूव भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे आइकन नहीं चाहिए तो मैं रिमूव भी कर सकती हूँ। और अगर आपको चाहिए कि आइकन दिखाना है तो आप यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी में जाके भी दिखा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है
यहाँ पे जो मैंने ये डाउनलोड किया वो, ये आइकन लाइब्रेरी ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आप आइकन इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बुक का ले लेती हूँ। सो ये देखिए, बस इंसर्ट करना है। ये देखिए, सो बुक के आइकन्स आ गए इधर। अब फिल्टर कंट्रोल, फिल्टर कंट्रोल में हम क्या करेंगे, गैलरी आइटम्स डालेंगे। तो यहाँ पे मुझे गैलरी आइटम के नाम लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेब डिज़ाइन, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेब डिज़ाइन चाहिए। और एक बनाती हूँ मैं गैलरी आइटम ग्राफिक डिज़ाइन। सो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको जो डिज़ाइन दिखानी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये देखिए, दो दो बन गया है हमारा, वेब डिज़ाइन एंड ग्राफिक डिज़ाइन, और ये ऑल मीन्स सब यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा। अब इसे हम कंट्रोल करेंगे। गैलरी आइटम है मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, गैलरी आइटम है। तो फर्स्ट आइटम जो है उसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो और फोटोज़ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वीडियो गैलरी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बटन आ गया यहाँ पे। तो ये फर्स्ट जो है मैं वीडियो ही रहने देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि वीडियो भी इसमें ऐड हो सकता है। और इसका जो नेम है हम रखेंगे वेब डिज़ाइन, मतलब जब हम वेब डिज़ाइन का खोलेंगे टैब, तब वेब डिज़ाइन में ये शो होना चाहिए। तो ये देखिए, जब वेब डिज़ाइन में खोलूँगी तो ये देखिए, आप देख सकते हो वीडियो जो है वेब डिज़ाइन में ओपन हो रहा है। इसी तरह हम बाकियों का भी चेंज करते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेब डिज़ाइन वीडियो, ये चेंज हो गया नेम। सेकंड के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, और यहाँ पे इसका नेम मैं चेंज करूँगी ग्राफिक इमेजेस। इस तरह आप अपना इमेज शो कर सकते हो, कोई भी आपको इमेज डालना हो। टेक्स्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आप कुछ क्या रिलेटेड इसके टेक्स्ट है, आप वो भी दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ग्राफिक इमेजेस, यहाँ पे मैंने लिखा है ग्राफिक इमेजेस, उसके रिलेटेड जो भी उसके अबाउट सेक्शन है थोड़ा उसके बारे में बता सकते हो। ये फोटो किसके रिलेटेड है वो आप दिखा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, नीचे आपको इमेज का सेक्शन है, आपको चूज इमेज करना है और आपको एक इमेज चूज करनी है। तो मैं ये इंसर्ट कर देती हूँ फिलहाल के लिए। तो ये देखिए, इमेज जो है हमारी आ गई है। अब यहाँ पे सेम चीज आपको थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स सबके लिए करनी है। यहाँ पे भी मैं रिमूव करती हूँ, चूज करती हूँ ये बुक वाली इमेज। तो ये देखिए, बुक वाली इमेज आ गई है। तो इस तरह आप अपनी जो गैलरी है, आपकी फोटो गैलरी है या फिर आपकी वीडियो गैलरी है, यहाँ पे शो कर सकते हो। तो इसे भी हम ग्राफिक में ही डाल देते हैं। तो कंट्रोलेबल नेम हम यहाँ लिख देंगे ग्राफिक डिज़ाइन, सो वो ग्राफिक में आ जाएगी। सो ये देखें, इस तरह वीडियो, फोटो, और यहाँ पे वीडियो की ज़रूरी नहीं है, हम फोटो नहीं डाल सकते, वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में फोटो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस है, ये देखिए। तो ये देखिए, वीडियो भी होगा प्लस फोटो भी दिखेगा, तो दोनों चीज़ ऐड हो गई है इसमें। प्ले करेंगे तब वीडियो आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे वीडियो का सेक्शन ओपन हो गया है। तो ये हो गया हमारा गैलरी। अब मैं इस पर होवर करूँगी वेब डिज़ाइन में, तो ये देखिए वेबसाइट डिज़ाइन में आ गया। ग्राफिक डिज़ाइन करूँगी तो ये ग्राफिक डिज़ाइन, तो ये एक फिल्टरेबल गैलरी है। इसे अब हम थोड़ा डिज़ाइनिंग देंगे, मतलब जो इसका बैकग्राउंड है वो चेंज करेंगे। तो सेम चीज़ आपको नीचे वालों के लिए, नीचे भी सेम चीज़ करनी है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगी, इसको मैं रिमूव कर दूँगी नीचे, और इनको ही कॉपी कर देती हूँ मैं, ताकि नीचे भी सेम वैसे ही आ जाए। ये देखिए, इसको यहाँ पे आप ड्रैग भी कर सकते हो, आपको कोई फोटो इधर उधर चाहिए उससे आप ड्रैग भी कर सकते हो कि मुझे यहाँ ये आइटम इधर चाहिए, तो ये भी चेंज हो सकता है। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी ब्यूटीफुल गैलरी। यहाँ पे हम उसको चेंजेस भी कर सकते हैं कि हमें ये ग्राफिक डिज़ाइन का वर्क है, ये मेरा वेबसाइट डिज़ाइन वर्क है, ये मेरा सारा वर्क है। तो इस तरह हम वर्क भी शो कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसमें थोड़ी चेंजेस, मतलब इसके जो फॉन्ट है वो चेंज करेंगे। तो हमें स्टाइल में आना है, बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पे ब्लैक देने वाली हूँ, सॉरी, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं ब्लैक दूंगी, क्योंकि मुझे ब्लैक चाहिए। और टेक्स्ट आप, क्योंकि मेरा जो पूरा वेबसाइट है वो ब्लैक है। और अब हम यहाँ पे कंट्रोल स्टाइल,
कंट्रोल स्टाइल भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आप आएंगे टाइपोग्राफी में, टाइपोग्राफी हम डालेंगे यहाँ पे पॉपिंस। तो ये देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो चेंज हो गई है, और कलर जो है हम टेक्स्ट का वो करेंगे वाइट, और टाइपोग्राफी वापस हम टाइपोग्राफी पे आते हैं। साइज इसकी थोड़ी बड़ी रखते हैं 20, ये देखिए 20 थोड़ी बड़ी हो गई तो काफ़ी क्लियर दिख रही है, और इसे थोड़ा बोल्ड रखते हैं हम, ये देखिए अब बोल्ड है, अब बेटर है, इसको 18 करते हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई है। सो ये हो गया हमारा टाइपोग्राफी। देखो ये होवर करने पर ये देखिए इस तरह शो हो, वीडियो आइटम होवर जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे ऑल करते हैं, वीडियो आइटम पे हमने ब्लैक कलर होवर किया है, बट अगर आप चाहते हो कि ब्लैक कलर ना हो, कोई और कलर होवर हो, तो वो कलर भी हो सकता है। ये देखिए ये वीडियो आइटम पे होवर भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी अगर हमें होवर चेंज करना हो तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो आइटम का जो होवर है वो मैं थोड़ा हल्का लाइटिश रेड रखती हूँ, या परफेक्ट। वैसे आइटम स्टाइल होवर यहाँ पे जो ब्लैक दिख रहा है, ये जब होवर करते हैं तो बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ पे हम अपने वेबसाइट का कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब इस पर होवर करूँगी तो मैं थोड़ा रेडिश कलर दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा पिंक कलर, सॉरी, जो मेरे वेबसाइट का कलर है। तो इस तरह आप होवर कलर भी दे सकते हो, चेंज कर सकते हो, और इवन आइकन का कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो नीचे ही यहाँ पे स्टाइल में आपको सारे स्टाइल चेंज हो सकते हैं, आइकन से लेके सब चीज़ के। यहाँ पे आइकन स्टाइल में हम देखिए यहाँ पे जो है ब्राउन कलर है, उसे हम अपने वेबसाइट का कलर से दे देंगे। यहाँ पे मैंने ये देखिए जब आइकन कलर है वो जो है वो भी चेंज हो गया है। तो आइकन कलर भी आप दे सकते हो, और जब आप चाहिए मुझे डार्क चाहिए तो मैं यहाँ पे डार्क भी कर सकती हूँ, ये देखिए डार्क, ये देखिए यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये देखिए ये देखिए ये जो कलर है वो चेंज हो गया है। इसका होवर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, होवर कलर इसका मैं रख देती हूँ वाइट। तो ये देखिए जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये कलर है वाइट हो रहा है, होवर कलर मैं इसका रख देती हूँ ब्लैक। तो इस पर देखो जब ही क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए होवर कलर इसके बैक ब्लैक हो रहा है। तो इस तरह आप हर एक चीज़ का जो है स्टाइल और कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इमेज गैलरी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैडिंग दूंगी क्योंकि ये जो सेक्शन है मुझे काफ़ी ऊपर से जो है चिपका हुआ लग रहा है, यहाँ से हम पैडिंग दे देंगे थोड़ा, 50 पैडिंग दे देते हैं, या दैट्स इट, बॉटम में बराबर है, अभी से अपडेट कर देते हैं। अब जो मैं सेक्शन बनाने वाली हूँ वो है ब्लॉक, ब्लॉग सेक्शन। अगर आपका ब्लॉग्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर दो, अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लॉग भी ऐड करने हैं अपने वेबसाइट में तो आप खुद के ब्लॉग्स भी ऐड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जस्ट पहले तो हम ये सेक्शन फिर से कॉपी कर देंगे जो पोर्टफोलियो का सेक्शन है। अब यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे, राइट क्लिक डिलीट, पोर्टफोलियो पे आएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे ब्लॉग। तो अब हम बनाएंगे ब्लॉग सेक्शन। ब्लॉग के लिए आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे भी आपको इनर सेक्शन यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सीधा पोस्ट लिखूंगी और पोस्ट ग्रिड जो है वो यहाँ पे सीधा ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे जो है ये जो है पोस्ट पहले से बनाए हुए पोस्ट है, यहाँ पे आपको पोस्ट कैसे क्रिएट करना है। तो उससे पहले मैं आपको पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बताती हूँ। तो हम डैशबोर्ड पर जाते हैं, आपको हमेशा ब्लॉग के लिए पोस्ट बनाने होंगे, तो पोस्ट पे जाना है आपको, पोस्ट पे जाना है, एड न्यू पोस्ट पे जाना है। तो ब्लॉग जब भी बनाओगे याद रखना आपको पोस्ट क्लिक करना है, क्योंकि आप पोस्ट पे ही ब्लॉग्स बनाते हैं, पेजेस पे ब्लॉग्स नहीं बनते, पोस्ट पे बनाना है आपको ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं डालूंगी टाइटल, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे रही हूँ वेब डिज़ाइन, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं, साइड बार चाहिए तो साइड बार, नहीं चाहिए तो मैं फिलहाल एक डेमो पोस्ट बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं एक डेमो टेक्स्ट लिख लेती हूँ।
लॉरेम का। सो ये डेमो टेक्स वेबसाइट है। इसे पूरा कॉपी कर देते हैं, यहीं पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, बस अभी इसे पब्लिश करना है। ये हो गया हमारा पोस्ट रेडी। जब हम व्यू करेंगे तो ये देखिए इस तरह हमारा पोस्ट दिखेगा। तो ये मैंने एक ऐसे डेमो पोस्ट बनाया है। तो ब्लॉग के ऊपर मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं ब्लॉग के ऊपर भी वेबसाइट बनाऊंगी कि कैसे ब्लॉग में आप ऐड कर सकते हो फोटो वगैरह, और ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये एक डेमो ब्लॉग बनाया मैंने। जैसे अगर आपका एक ब्लॉग है और आपको वेबसाइट पे शो करना है, तो ये हो गया ब्लॉग। तो जैसे आप यहाँ पे पोस्ट पे, जैसे ही आप ब्लॉग बनाते हो, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ एलिमेंटर। देखो जैसे मैंने अपडेट किया तो आप यहाँ पे देखोगे वेब डिजाइनिंग करके लॉरेम, व्हाट इज लॉरेम, यहाँ पे मेरा जो पोस्ट मैंने क्रिएट किया था वो दिख रहा है यहाँ पे। ये मैंने पहले भी सेम पोस्ट क्रिएट किया था वेब डिजाइनिंग का, तो दो पोस्ट क्रिएट किए थे, दोनों दिख रहे हैं। तो इस तरह आप पोस्ट बना सकते हो और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट अरेंज करना है। यहाँ पे देखिए लेआउट सेटिंग में जाएंगे, हमें तीन पोस्ट चाहिए तो तीन आएगा। यहाँ पे कॉलम, कितने कॉलम चाहिए उस हिसाब से ये कॉलम्स दिखेंगे। ये देखिए तीनों आ गए। अब तीन पोस्ट करने के बाद हम जो लेआउट है वो भी चेंज कर सकते हैं। शो लोड मोर, अगर आपको लोड मोर मतलब आपके बहुत सारे पोस्ट है तो लोड मोर ऑन रखोगे ना तो अपने आप वो लोड होते जाएंगे नीचे नीचे। और यहाँ पे इमेज, इमेज भी शो कर सकते हो आप। अगर यहाँ पे इमेज डाला रहता तो इमेज भी आपको यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे ऊपर जो है इमेज शो होता, बट मैंने कोई इमेज डाली नहीं है। तो इमेज जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं एडिट पोस्ट में जाती हूँ, यहाँ पे जो है इमेज का सेक्शन है एक, वहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर, सॉरी यहाँ पे एक फीचर्ड इमेज का सेक्शन है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक इमेज सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास जो इमेज है वो ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो ये देखिए इमेज हो गई अपडेट। व्यू पोस्ट, अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी। जैसे ही रिफ्रेश किया ये देखिए इमेज जो है वो दिख रही है यहाँ पे। तो पोस्ट की जो इमेज है वो भी यहाँ पे शो हो सकती है। तो आपको यहाँ पे इमेज की साइज भी, लेआउट सेटिंग में जाके हम इमेज की साइज भी चेंज कर सकते हैं, थंबनेल कर देते हैं। तो ये देखिए थंबनेल इमेजेस हो गए। इस तरह ब्लॉग के अलग अलग जितने ब्लॉग बनाओगे उसमें जो आप फीचर्ड इमेज रखोगे वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ब्लॉग्स दिखेंगे आपकी। अभी मैंने टेम्परेरी एक ही ब्लॉग बनाया, आप चाहो तो और दो तीन चार पाँच ब्लॉग्स बना के आप इसमें ऐड कर सकते हो, लिंक्स भी डाल सकते हो आप ब्लॉग में। इमेज पे, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करने पे कोई लिंक चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसे देंगे स्टाइल। जितने आप पोस्ट बनाओगे उतने ही शो होंगे। अगर मैंने तीन ही बनाए तो तीन ही शो हो रहे हैं, अगर हम ज़्यादा पोस्ट बनाते हैं तो नीचे और भी दो तीन शो होते थे। सिक्स पोस्ट मोस्टली शो होते हैं और नीचे लोड का ऑप्शन भी होता है। आप चाहे जितना पोस्ट शो कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है सिक्स ही। यहाँ पे आप स्पेस डिसाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो है मेटा स्टाइल चेंज करती हूँ। पहले इसका कलर जो है ब्लैक ही रहता है, ब्लैक। ये देखिए मेटा स्टाइल, कलर टोपोग्राफी, ये देखिए यहाँ पे जो कलर है वो हम चेंज करेंगे। पॉपिंस करेंगे इसे सबसे पहले। ये देखिए पॉपिंग हो गया। अब इसकी साइज थोड़ी बड़ी करेंगे। ये देखिए हेडिंग की साइज बड़ी हो गई और इसका वेट थोड़ा ज़्यादा देंगे क्योंकि ये हेडिंग है, ये हेडिंग जो है वो थोड़ा ब्रॉड हो गया। वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। साइज हम इसमें देते हैं 16। तो ये देखिए यहाँ पे भी जो है मेटा टेक्स्ट का टाइपोग्राफी भी चेंज हो गया। तो इस तरह आप ब्लॉग सेक्शन बना सकते हो।
अगर आपके ब्लॉग्स है, अगर नहीं है तो आप ये सेक्शन, ये जो है स्टेप स्किप कर सकते हो। अब लास्ट सेक्शन हम बनाएंगे वो है कॉन्टेक्स्ट सेक्शन, तो उसके लिए भी हम इसे डुप्लीकेट कर देंगे। यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट डाल देते हैं और इसे रिमूव करेंगे। जस्ट आपको राइट क्लिक करना है और डिलीट। यहाँ पे हम दो इनर सेक्शन ऐड करेंगे, गूगल फॉर्म। तो आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है गूगल, गूगल मैप सॉरी। तो यहाँ पे गूगल मैप ऐड करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो गूगल मैप ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हो अगर आपको गूगल फॉर्म ऐड करना है तो। लिखना है जैसे कि यहाँ पे लोकेशन लंदन दिख रहा है, यहाँ पे मैं मुंबई डाल देती हूँ, तो वो ऑटोमेटिक जो मैप है वो लोकेशन ले लेगा। ये देखिए मुंबई डालते ही मुंबई का लोकेशन दिख रहा है यहाँ पे। सो अगर चाहते हो आपके आपको मैप ऐड करना है तो आप मैप भी ऐड कर सकते हैं। रखा है मतलब जिसको ऐड करना है वो करे, ना करना है ना करे। इसे हम डिलीट कर देते हैं। वैसे आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करती हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म की, जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट रिलेटेड इमेज है आप वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट, ये रहा कॉन्टैक्ट अस का इमेज, और यहाँ पे हम फॉर्म ऐड कर देंगे। सो अभी हम फॉर्म बनाते हैं, उसके लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड न्यू टैब वाली हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले डैशबोर्ड पे, तो एक प्लगइन लेना है। सो मैंने ऑलरेडी लिया है, इंस्टॉल्ड है। अगर आपने नहीं लिया है तो प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है निंजा फॉर्म। यहाँ पे निंजा फॉर्म जैसे ही आप टाइप करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इंस्टॉल नाउ का बटन, वैसे ही आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा। आपको उस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको एक्टिव का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ही आप एक्टिव कर दीजिए। जैसे ही आप एक्टिव करोगे यहाँ पे आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में बार है वहाँ पे आपको दिखेगा निंजा फॉर्म। निंजा फॉर्म में आपको एड न्यू न्यू पे क्लिक, एड न्यू पे जाना है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के फॉर्म मिलेंगे, तो कॉन्टेक्ट अस ऑलरेडी बना हुआ है तो निंजा फॉर्म के ऊपर मैं अभी इतना डिस्कशन नहीं बता रही हूँ आपको। सो यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाएंगे, ऑलरेडी दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस तो वो हम बनाएंगे, सॉरी। सो यहाँ पे हम ब्लैंक, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म है आप देखोगे, यहाँ पे अलग अलग फॉर्म है, जॉब एप्लीकेशन फाइल लोडेड। तो निंजा पे जो है मैं अलग से एक फॉर्म का, कैसे आप अलग अपने हिसाब से फॉर्म डाल सकते हो उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल के लिए मैं कॉन्टेक्ट अस लेती हूँ, सो जो ऑलरेडी बना हुआ है ये इम्पोर्ट होगा इस तरह। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड का बटन है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो आपको कुछ भी ऐड करना हो। जैसे कि यहाँ पे नेम, ईमेल और मैसेज है, तो तीन ही मुझे ऑप्शंस दिए, मुझे कॉन्टैक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर का ऑप्शंस है, देन ईमेल एड्रेस फोन नंबर, तो मैं फोन नंबर आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये देखिए फोन नंबर भी ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो प्लेस लेबल है उसे हटा के प्लेस होल्डर पे डाल देंगे। तो जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिक्वायर फील्ड है, ये आपको यहाँ पे हटा के डिस्प्ले पे जाना है, प्लेस होल्डर पे पेस्ट करना है। रिक्वायर फील्ड आप चाहिए तो रख सकते हो, मैं यहाँ पे ऑफ रख रही हूँ रिक्वायर फील्ड। सेम चीज मैं फोन के लिए भी करूंगी, लेबल से हटाऊंगी और यहाँ पे जो है प्लेस होल्डर में ऐड कर दूंगी। ईमेल के लिए भी वही चीज कर रही हूँ मैं, सो यहाँ पे ईमेल रिक्वायर फील्ड हटा के डिस्प्ले यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर पे ऐड कर दूंगी। और इवन द मैसेज सेम आपको यहाँ से हटा के डिस्प्ले में प्लेस होल्डर में पेस्ट करना है। सो ये हो गया हमारा फॉर्म, अब इसे डन करना है और पब्लिश करना है। तो ये फॉर्म हो गया है, अब यहाँ पे क्या करने हैं हम, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे पहले तो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम विगेट सर्च करेंगे निंजा फॉर्म, तो यहाँ पे आप देखोगे निंजा विगेट अलग अलग है। आपको ये ई ए यहाँ पे लिखा है राइट हैंड कॉर्नर पे, तो ये आपको निंजा फॉर्म की विगेट यहाँ पे ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट फॉर्म, तो सिलेक्ट जो मैंने बनाया अभी कॉन्टेक्ट मी वाला फॉर्म उस पर हम सिलेक्ट करेंगे।
तो ये फॉर्म यहाँ पे आपको अभी नहीं दिखेगा, बट अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये फॉर्म आपको दिखेगा अपडेट करने के बाद। अभी यहाँ पे हम उसको स्टाइल, जब तक हम उसे स्टाइल दे देते हैं, तो स्टाइल में हम इसका जो प्लेस होल्डर का, जो हमने प्लेस होल्डर लिया है उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं वाइट, क्योंकि ये जो ब्लैक है हमारा फॉर्म, इसे हम वाइट कर देंगे। अभी अपडेट करूंगी मैं, तो ये फॉर्म इस तरह ही दिखेगा जब हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे जब रिफ्रेश होगा ये पेज तब दिखेगा ये फॉर्म। ये देखिए फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये हमें पूरा दिख रहा है यहाँ पे। कॉन्टेक्ट मी, फील्ड मार्क रिक्वायर्ड, सो मैंने ये जो मार्क रिक्वायर्ड है यहाँ से हटाया नहीं, इसके लिए ये दिख रहा है इधर। यहाँ पे ये देखिए, अब क्या करूँगी मैं, सॉरी ब्लैक है तो वाइट प्लेस होल्डर जो है हमारा, प्लेस होल्डर का कलर वाइट है तो हमें इसे ब्लैक लेना पड़ेगा। ओके, फिल डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा उसे हम ब्लैक कर देते हैं। टाइपोग्राफी इसका हम रखेंगे पॉपिंग्स। विड्थ हम देंगे 500 और 15 पिक्सल, 18 पिक्सल दे देते हैं, अपडेट कर देते हैं इसे। इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो ईमेल, मैसेज, फोन नंबर, नेम, यहाँ पे आपको सारा कुछ प्लेस होल्डर पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे कलर जो है आप अलग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पे इसको आप शेडो भी दे सकते हो। तो फिलहाल तो मैं इसे पहले जो ये जो रिक्वायर्ड है वो रिमूव कर देती हूँ। हम फिर से जाएंगे निंजा फॉर्म में, जो हमारा ये फॉर्म है, कॉन्टेक्ट मी, सेटिंग में जाएंगे और एडिट में जाएंगे। इस तरह आप एडिट कर सकते हो फॉर्म को भी, और मैसेज का जो रिक्वायर फील्ड है उसे ऑफ कर देते हैं फिलहाल और डन कर देते हैं इसे पब्लिश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो आप देखोगे जैसे ही रिफ्रेश किया मैंने तो ये जो प्लेस होल्डर का रिक्वायर फील्ड है वो चला गया यहाँ से। अब बटन को जो है वो हम कलर दे देते हैं, तो आपको यहाँ पे सबमिट बटन का ऑप्शन दिखेगा, तो सबमिट बटन पे जाना है और यहाँ पे विड्थ भी डिसाइड कर सकते हो कि बटन की विड्थ जो है वो आपको कितनी बड़ी देनी है, छोटी देनी है। विड्थ, यहाँ पे विड्थ भी होती है। और यहाँ पे हम कलर, बैकग्राउंड कलर डिसाइड करेंगे, जो बैकग्राउंड कलर है तो मैं वही रखूंगी जो यहाँ पे वेबसाइट का मैंने मेन कलर लिया है। सो बैकग्राउंड कलर ये हमारा होगा और होवर के टाइम पे कलर हम इसे रख देंगे वाइट। वैसे ही टेक्स्ट के कलर जो है होवर के टाइम पे हो जाएगा ब्लैक, क्योंकि वाइट पे ब्लैक दिखेगा, और नॉर्मल जो इस पे है टेक्स्ट का कलर हमारा हो जाएगा वाइट। अब इसे अपडेट करते हैं और एक बार देख लेते हैं। सो आप देखोगे बटन का जो कलर है वो इस तरह दिखेगा। अब यहाँ पे फॉर्म कंटेनर, फॉर्म कंटेनर क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे फॉर्म को, यहाँ पे आप देखोगे फॉर्म काफी बॉक्स में दिख रहा है, इसे हम शेप दे सकते हैं, जैसे बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। तो जैसे बॉर्डर रेडियस दे दिया 40, और बॉर्डर टाइप दे दिया सॉलिड। अगर हम चाहते हैं शेडो देना तो बॉक्स को शेडो भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो कलर है इस कलर का शेडो दे दिया। और अब इसे अपडेट करेंगे, विड्थ भी दे सकते हैं बॉर्डर की, अगर आपको बॉर्डर विड्थ देनी है तो बॉर्डर विड्थ 2 दे दो। और इसे भी हम कलर कर सकते हैं जो हमें कलर देना है, जैसे कि जो हमने वेबसाइट का कलर है वो ले लिया। पैडिंग भी दे देती हूँ थोड़ी, तो हम यहाँ पे पैडिंग देंगे फॉर्म के अंदर, यहाँ पे इसको डीलिंग नहीं करेंगे, एक साथ पैडिंग देंगे 15 और अपडेट करते हैं। एक और चीज़ करनी है मुझे, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, कॉन्टेक्ट मी, कस्टम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, टाइटल जो है मैं ऑफ रखूंगी और लेबल भी इसका ऑफ रखूंगी, मुझे सिर्फ प्लेस होल्डर चाहिए। तो यहाँ पे आप, अगर आपने लेबल दिया है बाय मिस्टेकली तो यहाँ से डायरेक्टली आप हाइड भी कर सकते हो। अब अपडेट करेंगे, सो इस तरह हमारा फॉर्म दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे आप नेम, फोन नंबर, और अब अभी आप चाहते हो चेक करना तो आप चेक भी कर सकते हो। और है इसमें वो है
फॉर्म सबमिशन, फॉर्म सबमिट होने के बाद जो हमें सेंटेंस दिखेगा वो कैसे दिखेगा, तो वो भी सक्सेसफुल मैसेज का भी यहाँ पे ऑप्शंस है। तो सक्सेसफुल मैसेज कैसे कलर होने चाहिए, उसका भी टाइपोग्राफी कैसे होना चाहिए वो भी दिखना है। तो हम इसे टाइपोग्राफी रखेंगे वाइट, और इसकी टाइपोग्राफी भी हम चेंज करके पॉपिंस कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए वेबसाइट पे पूरा सेम जो है दिखे, सारा जो कुछ है वो सेम दिखे। और इसका भी हम कर देंगे 500 बोल्ड और अपडेट कर देंगे। इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया पे जाना है। यहाँ पे आप देखोगे जो फॉर्म की टेक्स्ट एरिया की विड्थ है वो आप डिसाइड कर सकते हो कितनी चाहिए, 1 पिक्सल 2 पिक्सल, उस हिसाब से विड्थ और हाइट दोनों चेंज कर सकते हो। तो हाइट भी यहाँ पे चेंज किया जा सकता है 1 2 3, उस हिसाब से क्या कि जो इनपुट है उसमें भी टाइपोग्राफी चेंज हो सकती है, मतलब वहाँ पे जो मैसेज टाइप किया जाएगा उसके उसी भी टेक्स्ट हम पॉपिंग कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे हाइट इसकी हम कम दे देते, 3 पिक्सल दे देते अपडेट। तो ये देखिए छोटी हो गई है 3 पिक्सल। तो ये था हमारा फॉर्म का सेक्शन। अब हम बनाएंगे फूटर। तो ये था हमारा फॉर्म का सेक्शन, अब हम बनाएंगे फूटर। सो फूटर के लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे फूटर, और या तो हम इसी को कॉपी कर देंगे। इसे डुप्लीकेट कर देंगे और ये रिमूव कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए, और फूटर का ये भी रिमूव कर देंगे। बस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोशल विगेट्स हमें ऐड चाहिए, सोशल शेयरिंग। तो सोशल आइकन्स हम डाल सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए सोशल आइकन्स आ गए यहाँ पे, और आपको जो भी आइकन डालना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पे आइकन जो है वो चेंज अपलोड करना है, आइकन लाइब्रेरी में जाना है। जैसे कि हमें इंस्टाग्राम चाहिए तो यहाँ पे टाइप करेंगे, ऑल आइकन्स में जाएंगे, फिल्टर करेंगे इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम का आइकन जस्ट आपको इंसर्ट करना है, और यहाँ पे जो है आप आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हो, लिंक भी दे सकते हो। आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वहाँ पे आप जा सकते हो, और कलर जो है ऑफिशियल कलर या कस्टम भी दे सकते हो। देखिए प्राइमरी कलर हम इंस्टाग्राम का जो भी कलर है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, प्राइमरी कलर रहेगा उसका ये, और सेकेंडरी कलर जो है वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे सेकेंडरी कलर मैं इंस्टाग्राम का ब्लू रखती हूँ, और जो प्राइमरी कलर है वो हम यहाँ पे पिंक कर देते हैं इंस्टाग्राम का कलर। तो ये जस्ट शो के लिए है कि इस तरह आप चेंज कर सकते हो, आप इस तरह कलर चेंज कर सकते हो प्राइमरी कलर, मतलब आप आइकन्स ऐड कर सकते हो। जैसे सोशल मीडिया आइकन्स है, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, आपका जो भी है यहाँ पे ऐड करके आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी यहाँ पे आइकन की। तो यहाँ पे व्हाट्सएप भी है, जीमेल भी है, और जस्ट आपको यहाँ पे लिंक ऐड करनी है व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम की, और कलर चेंज करना है उस हिसाब से जिस हिसाब से उसका कलर है। तो यहाँ पे सोशल आइकन्स ऐड हो जाएंगे, और लास्ट जो है शेप भी हम राउंडेड स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, तो सर्कल भी कर सकते हैं इसे, और स्टाइल भी दे सकते हैं, ऑफिशियल कलर चाहिए या फिर कस्टम चाहिए, साइज भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए साइज बड़ी छोटी कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आप साइज इसकी दे सकते हो, एंड पैडिंग भी दे सकते हो, मतलब इन सब के बीच की जो पैडिंग है वो कितनी बड़ी छोटी चाहिए उस हिसाब से पैडिंग भी दे सकते हो। ये देखिए इनके अंदर जो पैडिंग है वो कितनी देनी है वो भी आप दे सकते हो, प्लस स्पेसिंग, इन सब के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी देनी है वो भी आप दे सकते हो। तो इस तरह सोशल आइकन जो है लास्ट में जो अच्छे लगेंगे तो सोशल आइकन ऐड करेंगे, और लास्ट जो है हमारा टेक्स्ट सेक्शन रहेगा। तो हम एक हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। सो इस हेडिंग को हम यहाँ पे वापस लिखने से अच्छा है ये जो टेक्स्ट है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसे रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉपीराइट 2020 मेड बाय रोड टू वेब। अब इसे आप सेंटर अलाइन कर सकते हो, स्टाइल में जाके इसको सेंटर कर दीजिए। ये देखिए कॉपीराइट 2020 मेड बाय रोड टू वेब, और इसकी भी टाइपोग्राफी तो ऑलरेडी चेंज है, कलर भी ऑलरेडी चेंज है, बस इसे अपडेट करना है। तो ये हो गया हमारा
फूटर। तो आप यहाँ पे आप देखोगे दो दो फूटर है, तो पीछे का जो फूटर है हमें नहीं चाहिए। तो आपको अब आपको यहाँ पे जाना है एडिट पेज में, यहाँ पे जो फूटर है उसे डिजेबल करना है, विजिट एरिया कॉपीराइट एरिया डिजेबल, ये डिजेबल कर देंगे हम। अब व्यू पेज देखेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे जो फूटर है वो यहाँ से चला जाएगा, तो आपका जो मेन फूटर है वो इस तरह दिखेगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट नहीं आ रहा है, सर्विस नहीं आ रहा है, तो ये कैसे टैग करते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है एडिट सेक्शन उस पर क्लिक करना है, और जैसे हमने मेन्यू बनाया था CSS डाला था हैशटैग करके कस्टम लिंक स्टार्टिंग के वीडियो में, तो उन सबको जो लिंक दिया था होम को होम अबाउट को अबाउट, वही लिंक यहाँ पे आपको डालनी है। तो आपको यहाँ पे एडवांस में जाना है, यहाँ पे CSS ID है, वहाँ पे होम लिखना है, देन अबाउट के लिए यहाँ पे हम अबाउट के सेक्शन में जाएंगे, जो ऊपर वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करना है, देन उसमें भी एडवांस में जाना है और यहाँ पे CSS लिखना है अबाउट, और उसके बाद हम जाएंगे सर्विस के सेक्शन में, तो सर्विस के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है और CSS ID लिखनी है सर्विसेस, आई थिंक एस दिया था मैंने, और फिर पोर्टफोलियो के यहाँ पे सेक्शन में ऊपर वाले सेक्शन में जाना है, एडवांस में जाना है और यहाँ पे आपको CSS ID लिखनी है पोर्टफोलियो, और लास्ट जो हमारा है कॉन्टैक्ट सेक्शन, ब्लॉग का सेक्शन मैंने आपको सिर्फ ब्लॉग कैसे बनाते हैं वो बताने के लिए दिया था। इसके लिए अब यहाँ पे वापस हम एडवांस में जाएंगे और CSS लिखेंगे कॉन्टैक्ट, अपडेट कर देते इसे। तो अभी अब यहाँ पे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए अबाउट सेक्शन आ गया, वैसे ही हम सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सर्विस सेक्शन आ गया, और पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो सीधा पोर्टफोलियो पे लेके जाएगा। तो इसे कहते हैं कि डायरेक्ट आप एक ही पेज वन पेज वेबसाइट जहाँ पे आप सीधा मेन्यू से कॉन्टैक्ट पे गए, तो देखिए कॉन्टैक्ट आ गया सीधा, तो इस तरह आप एक ही पेज पे सीधा डायरेक्ट होवर कर सकते हैं। और अब यहाँ पे ये जो बटन है उसे हम सी कस्टम लिंक देते हैं, तो उसके लिए आपको इस बटन पे जाना है, तो हम चाहते हैं कि जो पोर्टफोलियो है उस पर ये सीधा होवर आए, तो पहले तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक देना है आपको हैशटैग पोर्ट, सो लिंक हम हैशटैग देंगे क्योंकि हमें ID देनी है इसके लिए, हैश देंगे सॉरी, तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो हैश देंगे पोर्ट, और जहाँ पे हमें पोर्टफोलियो पे सीधा होवर करना है तो यहाँ पे हम जो पोर्टफोलियो का एडिट कॉलम है वहाँ पे जाएंगे, उसको हम CSS ID देंगे पोर्ट, और इसे अपडेट कर देते हैं। तो अभी ये रिफ्रेश होगा, ओके पोर्टफोलियो पे मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे अब, तो ये जो है सीधा पोर्टफोलियो पे होवर हो जाएगा, ये देखिए जैसे ही पोर्टफोलियो पे बटन पे क्लिक किया तो सीधा पोर्टफोलियो पे इसने जंप किया। तो इस तरह आप वन पेज वेबसाइट बना सकते हो। अभी यहाँ पे मैं एक और चेंजेस करना चाहूंगी, ये जो इमेजेस है उसे चेंज करूंगी, तो अगर आपको ये इमेजेस या ये वीडियो की जगह पे मैं दूसरे इमेजेस ऐड करने वाली हूँ, तो मैं फटाफट पहले इमेजेस चेंज कर देती हूँ, गैलरी आइटम में जाके सारे इमेजेस चेंज करती हूँ। ताकि जो लुक है वो प्रॉपर लुक आए। तो आपको बस गैलरी आइटम में जाना है, यहाँ पे चूज इमेज करना है, और मैंने सर्विस के लिए जो इमेजेस डाउनलोड करके रखी थी दो तीन, वो डाल रही हूँ ताकि जो अच्छे से लुक दिखे, क्योंकि वो अच्छा लुक नहीं दे रहा है वेबसाइट को। तो आप इस तरह इमेजेस अपना जो पोर्टफोलियो है आपके जो वर्क है उसके इमेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, चूज इमेजेस सिलेक्ट इंसर्ट, थोड़े मोशन इफेक्ट दे देती हूँ मैं ताकि और भी बेटर लुक दे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो मैंने इफेक्ट दिया उसे हटा देते हैं, ओके अब मैं सेक्शंस को इफेक्ट देने वाली हूँ, यहाँ पे मैं एक एक सेक्शन को इफेक्ट देने वाली हूँ। जैसे इस सेक्शन को मैंने जो इफेक्ट दिया था मोशन इफेक्ट,
स्लाइड इन राइट, तो अब यहाँ पे लेफ्ट दूंगी मैं, उसी तरह नीचे राइट और लेफ्ट, मोशन इफेक्ट, स्लाइड इन, ये लेफ्ट दूंगी यहाँ पे, वापस जो है राइट लेफ्ट, हर एक सेक्शन को लेफ्ट राइट का इफेक्ट देने वाली हूँ मैं। ओके, तो इस तरह यहाँ पे इफेक्ट दे दिया मैंने लेफ्ट राइट का। अब यहाँ पे मैं एडिट पेज में जाऊँगी क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट जो है मेन्यू बार चाहिए, तो यहाँ पे हम एडिट पेज में जाएंगे। ट्रांसपेरेंट मेन्यू के लिए आपको यहाँ पे मेन सेक्शन में जाना है, और लेआउट जो है, नहीं लेआउट नहीं, यहाँ पे हम हैडर में जाएंगे और हैडर में जो हैडर का स्टाइल है उसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो ट्रांसपेरेंट करने से क्या हो जाएगा, वो मेन्यूज एक साथ दिखेगा। अपडेट कर देते हैं इसे, अब व्यू पेज करते हैं हम। तो ये देखिए जो मेन्यू है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसे हम इफेक्ट देंगे थोड़ा, तो इसे कस्टमाइज करेंगे मेन्यू को। मेन्यू को हम कलर देंगे क्योंकि ये ब्लैक दिख नहीं रहा है, और उसे फॉन्ट भी चेंज करेंगे। सो मेन्यू में जाएंगे हम, यहाँ पे हम जाएंगे टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के अंदर हम जाएंगे मेन्यू, मेन्यू की जो टाइपोग्राफी सबसे पहले वो चेंज करेंगे पॉपिंस, पॉपिंस से, और यहाँ पे जो उसका कलर है वो भी हम चेंज करेंगे। सो यहाँ पे हमने पॉपिंग चेंज किया, अब हम कलर के लिए जाएंगे जनरल ऑप्शंस में, जनरल स्टाइलिंग, यहाँ पे जो लिंक कलर है उसे हम कर देंगे वाइट, तो हैशटैग FFF, यहाँ पे हम लिखेंगे हैशटैग FFF। तो ये देखिए लिंक कलर जो है वो वाइट हो गया है, और उसके पे होवर कलर जो है उसका हम ये कलर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने होवर कलर पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे जब यहाँ पे होवर करेंगे तो ये देखिए वाइट और ये कलर चेंज हो गया है। उनका कलर चेंज करने के लिए आपको जाना है हेडर में, यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शंस में। तो यहाँ पे देखिए आपको लिंक कलर और होवर कलर दिखेगा, सो आपको लिंक कलर पे क्लिक करना है। सो मेन्यू के कलर, लिंक कलर जो है यहाँ पे हम वाइट दे देंगे, ये देखिए वाइट हो गया। और होवर करने पे जो है, मैंने बाय डिफॉल्ट होवर करने पे जो बटन का कलर है वो ऐड किया है, सो वो हो गया है। तो ये हो गया हमारा मेन्यू, इसे हम पब्लिश कर देंगे। हो गया हमारा मेन्यू, अब हम जो ये बॉर्डर दिख रही है वो रिमूव करेंगे। उसके लिए हमें जाना होगा हेडर में, जनरल में, और यहाँ पे हेडर बॉर्डर बॉटम है जो टिक है उसे अनटिक करना है। तो ये देखिए हट गया, बस अब इसे पब्लिश करना है। कस्टमाइज में हम जाएंगे हेडर में और हेडर मीडिया में, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पोजीशन। सो ये मेन्यू का पोजीशन है जो हम डिसाइड, सॉरी अटैचमेंट यहाँ पे इसे हम फिक्स करेंगे। तो ये मेन्यू का अटैचमेंट है जो फिक्स रह सकता है। यहाँ पे ओवरले कलर, वहाँ पे मेन्यू का ओवरले कलर भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो ओवरले कलर जो है मैं इसका ब्लैक ही रखूँगी, बट जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी सी यहाँ पे मैं कम कर दूँगी ट्रांसपेरेंसी, ताकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखे। अब इसे पब्लिश करते हैं। अब इस पेज को हम व्यू करेंगे, तो व्यू करने के लिए यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस। अब ये जो हमारा मेन्यू बनाया है वो भी क्या होगा, स्टिकी रहेगा। ये देखिए स्टिक है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ये स्टिक्ड है, तो यहाँ से हम सीधा जंप कर सकते हैं। अबाउट बजाएंगे तो ये देखिए अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट बजाएंगे सीधा कॉन्टैक्ट सेक्शन हमें दिखेगा। तो इस तरह ये ट्रांसपेरेंट भी बन गया है और मूव भी हो रहा है। सो ये था हमारा मेन्यू ट्रांसपेरेंट सेक्शन। अब हम इसे लैपटॉप और मोबाइल व्यू में कस्टमाइज करेंगे। सो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं इसे कस्टमाइज करने। तो ये जो है एक्स्ट्रा टैब्स है उसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मोड हम देखेंगे। यहाँ पे इधर टैबलेट है, तो टैबलेट में ये कैसा दिख रहा है। सो टैबलेट में यहाँ पे अब अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है टैबलेट में ये परफेक्ट है, कुछ चेंजेस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि टैबलेट में फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा या कम है, तो आपको जस्ट उस पर टैग यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि टैबलेट में फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा है, तो आपको जस्ट एडिंग में एडिट में जाना है और उसकी टाइपोग्राफी चेंज करनी है। अब मोबाइल व्यू देखेंगे, इसका व्यू में जो है फ़ॉन्ट ज़्यादा है, तो आपको जस्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल में जाना है, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसे,
इस तरह, और यहाँ पे 30 करके इसको यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी और फ़ॉन्ट है इसका भी हम कर देंगे छोटा 15। उसी तरह आप यहाँ पे सबका फ़ॉन्ट जो है वो भी चेंज कर सकते हो, तो जस्ट आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करनी है तो मोबाइल व्यू में ये भी जो है परफेक्ट दिखेगा। तो ये हमारा व्यू कंप्लीट हो गया है, रिस्पॉन्सिव हो गया है पूरा जो वेबसाइट है। अब इसे हम एक लास्ट बार देख लेते हैं। तो ये देखिए जो मेरा जो वेबसाइट है पोर्टफोलियो का वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, और सारे इफ़ेक्ट्स जो मैंने डाले थे मोशन इफेक्ट वो भी आ गए, और ये पूरा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन गया है। यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन है, सो ब्लॉग को आप और भी बेटर बना सकते हो। ये मैंने एक डेमो के लिए एक ब्लॉग बनाया था, एंड ये जो मेरा मेन्यू है वो भी फिक्स्ड है। जैसे मैं सर्विस पर क्लिक कर रही हूँ ये सीधा सर्विस पर जंप कर रहा है, और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट पर जंप कर रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे और रह गई, कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे नेम, अपना नेम, एड्रेस और ईमेल टाइप करना है, एंड मैसेज एंड सबमिट। तो जैसे हम सबमिट करेंगे तो प्रोसेसिंग हो रहा है, ये देखिए सबमिट हो गया, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, कन्फर्मेशन मेल हैज़ बिन सेंड। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे आपको जाना है निंजा फॉर्म, और निंजा फॉर्म में सबमिशंस में जाना है। तो सबमिशन में यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से फॉर्म का सबमिशन चाहिए, और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही फिल्टर करोगे ये देखिए आपको जो भी सबमिशन आपने डाला था, तो मैंने यहाँ पे दो सबमिशंस डाले थे, तो देखिए यहाँ पे आ गया किसने, यहाँ पे आपको किसने फॉर्म भेजा है, उसका नाम, नंबर और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको पूरा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था हमारा पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म का डिटेल। अब यहाँ पे जब मैं वेबसाइट व्यू कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है वापस डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आपको सेटिंग में जो है रीडिंग में जाना है, रीडिंग में जो होम पेज रहेगा हमारा, पहले तो स्टैटिस्टिक करना है और होम पेज को सिलेक्ट कर और इसे सेव चेंजेस करना है। इससे क्या होगा, जब भी हम जो मेरा वेबसाइट जब मैं विजिट करूंगी यहाँ पे विजिट साइट, तो सीधा जो हमारा होम पेज है वो ही ओपन होगा। ये देखिए तो इस तरह हमारी पूरी जो वेबसाइट है ओपन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।